हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी वेव्स क्या होता है, सेकेंडरी वेव्स क्या होता है, एपिसेंटर और फोकस किसे कहा जाता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में से स्ट्रॉन्ग कौन सी वेव है। तो ये सारी चीज़ों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। सो कहा जाता है कि प्राइमरी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। यानी कि प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। तो ट्रिक जो कहा जाता है वो है पी एल सी। अगर याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में प्राइमरी वेव्स के ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है, और इट इज़ एनालॉगस टू साउंड वेव पार्टिकल्स। दोस्तों, ये जो प्राइमरी वेव्स होती है ये एनालॉगस होता है टू साउंड वेव पार्टिकल। साउंड वेव पार्टिकल यानी कि जो साउंड की जो वेव जो हम बातें करते हैं, जो साउंड जो नॉर्मल अर्थ में जो साउंड निकलती है उसकी जो इक्विवेलेंट वेव प्राइमरी वेव को माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि प्राइमरी वेव्स आर फर्स्ट टू रीच एनी पर्टिकुलर लोकेशन आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑकर्स। तो मान लो कि नेपाल में कोई भी अर्थक्वेक का फोकस है, तो जो प्राइमरी वेव्स जो, और मान लो इम्पैक्ट तमिलनाडु तक देखा गया है, तो जो तमिलनाडु में जो प्राइमरी वेव्स की जो इम्पैक्ट पहुंचेगी, जो पहला वेव पहुंचेगा वो प्राइमरी वेव्स का होगा। तो यही है कि प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट टू रीच एनी पर्टिकुलर लोकेशन आफ्टर एन अर्थक्वेक ऑकर्स। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी कि प्राइमरी वेव सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी और गैस में भी ट्रैवल करता है। यानी कि सॉलिड में ट्रैवल करता है, यानी कि जैसे कि सॉलिड जैसे कि कोई रॉक हो गया, तो रॉक के अंदर से प्राइमरी वेव्स ट्रैवल कर सकता है, या फिर वाटर के अंदर। मान लो प्राइमरी वेव्स, कोई व्यक्ति पानी के नीचे खड़ा हो तो प्राइमरी वेव्स के थ्रू बाहर से पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर गैस या एयर में प्राइमरी गैस वेव्स मूव होता है। इसके बाद दोस्तों हम सेकेंडरी वेव्स को जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स या फिर डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स या फिर डिस्टॉर्शनल वेव्स। डिस्टॉर्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम जाती है विथ लेंथ। यानी कि दोस्तों, जो सेकेंडरी वेव्स है इसे ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि विच वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल प्राइमरी वेव्स PLC से याद रखना, और सेकेंडरी STD, यानी STD एस फॉर सेकेंडरी, ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ट्रांसवर्स एंड डिस्टॉर्शनल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन दे दे कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, बोथ और नन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। इसके बाद जो सेकेंडरी वेव्स की जो और एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि दे आर लाइक वाटर रिपल्स वेयर पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मान लो हम अगर पानी में एक पत्थर अगर फेंकते हैं, ईट एक फेंकते हैं, तो अब देखोगे कि वेव फ्रंट्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट होता है। हालांकि आपको ना लग सके ये बातें, पर ये सच है कि ये जो प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स होती है ये परपेंडिकुलरली मूव करता है। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी वेव्स के बारे में ये बताया गया है कि दे रीच द लोकेशन सेकेंड आफ्टर प्राइमरी वेव्स। यानी कि अगर मान लो वही एग्जांपल लिया जाए कि अगर नेपाल में किसी भी प्राइमरी वेव की फोकस है, और अगर अर्थक्वेक तमिलनाडु तक डिटेक्ट किया जाए, तो पहली जो पहुँचेगी तमिलनाडु में वेव्स वो होगी प्राइमरी वेव्स। इसीलिए तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और उसके बाद पहुंचती है सेकेंडरी वेव्स। तो वही बोला गया है कि प्राइमरी वेव्स पहले पहुंचती है। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल थ्रू अर्थ्स इंटीरियर अबाउट हाफ द स्पीड ऑफ प्राइमरी वेव्स। यानी कि जो नीचे वी सेक इक्वल टू हाफ ऑफ वी प्राइमरी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो वी यानी वेलोसिटी यानी कि स्पीड फ्रेंड्स, स्पीड जो सेकेंडरी वेव की है ये हाफ ऑफ प्राइमरी वेव। तो मान लो कि प्राइमरी वेव की स्पीड मान लेते कि 330 मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंडरी वेव की कितनी स्पीड होगी? उसको आप
आप 330 को अगर 2 से डिवाइड कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो, तो 165 ही सेकेंडरी वेव की स्पीड होगी, तो प्राइमरी वेव की स्पीड ज़्यादा है। इसीलिए इसके बाद फ्रेंड्स अब देखोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स एग्ज़ाम में पूछा जाए, अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाए कि प्राइमरी वेव्स और क्या सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, तो आंसर होगा जैसे कि आप चार्ट देख सकते हो कि प्राइमरी वेव्स सॉलिड में ट्रेवल करता है, या उसके बाद लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और गैस में भी ट्रेवल करता है। प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट बींग सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी वेव्स, ये केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, तो यानी कि रॉक के अंदर प्राइमरी वेव्स भी ट्रेवल कर पाएगा और सेकेंडरी वेव्स भी। लिक्विड के अंदर पर प्राइमरी वेव्स ट्रेवल करेगा, सेकेंडरी वेव्स लिक्विड के अंदर नहीं ट्रेवल कर पाता है, और गैस एयर में भी सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो प्राइमरी वेव्स तो यही है। और नीचे ये बताया गया है कि प्राइमरी वेव्स, इससे क्या पता चलता है, प्राइमरी वेव्स को प्राइमरी वेव ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव्स। और फ्रेंड्स अनदर थिंग आपको याद रखनी है, जैसे कि आप कहीं नोट्स बना के रख लो तो बेटर होगा, कि प्राइमरी वेव्स को कंप्रेशनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है, और सेकेंडरी वेव्स को ट्रांसवर्स या फिर डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहा जाता है, STD और PCL या फिर PLC, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, इस तरह से याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स और एक चीज़ की जो एपिसेंटर होती है, एपिसेंटर और फोकस में ये डिफरेंस कि फोकस वो प्लेस है जहाँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और एपिसेंटर वो जगह है जहाँ पे सरफेस, जो अर्थ का सरफेस में अगर अर्थक्वेक जहाँ फील होता है तो हमें एपिसेंटर, उसे एपिसेंटर कहा जाता है, तो हमें जो फील होती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और फोकस होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फोकस नीचे होता है, यानी पॉइंट वेयर रैप्चर स्टार्ट्स, और एपिसेंटर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर वाली जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यही बात है कि फोकस और एपिसेंटर का यही डिफरेंस है कि फोकस अर्थ के इंटीरियर में होता है और एपिसेंटर अर्थ के सरफेस में होता है, और फोकस तो डेफिनेटली इंटेंसिटी जो फोकस की होगी वहाँ ज़्यादा होती है, और एपिसेंटर विथ डिस्टेंस कमते जाता है। तो आई होप आपको प्राइमरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स, और प्राइमरी वेव्स कहाँ ट्रेवल होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, और अदर नेम ऑफ प्राइमरी वेव्स क्या है, और सेकेंडरी वेव्स क्या है, और प्राइमरी कौन सी वेव स्ट्रॉन्ग है, और एपिसेंटर फोकस किसे कहा जाता है, आप सब, आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे इतना वक्त दिया, सो थैंक यू वेरी मच।